तो भाई जैसे हम लोगों का बात हुआ था कल की आ जाने वाला है BGMI के अंदर न्यू क्लासिक क्रेट। फाइनली गेम के अंदर आ चुका है न्यू क्लासिक क्रेट एंड आज मैं सुबह के टाइम क्रेट ओपन करने वाला हूँ। देख सकते हो अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी मैं क्रेट ओपन करने वाला हूँ। देखते हैं कि सुबह के टाइम लक मेरा कैसा जाता है, क्योंकि नॉर्मली मैं सुबह के टाइम ओपन नहीं करता, दोपहर के टाइम ओपन करता हूँ क्योंकि तभी मेरा नींद खुलता है। तो बेसिकली कल रात से मैंने अभी तक सोया नहीं था, पंचायत देख रहा था। भाई काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है देख सकते हो, पंचायत 2 आ चुका है तो काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज़ है। कब सुबह हो गया मुझे पता नहीं चला, तो अभी क्रेट भी आ चुका है, चलो ओपन कर लेते हैं इसी बहाने। तो देख सकते हो 59 क्लासिक क्रेट कूपन है मेरे पास एंड इसी से आज हम लोग क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ इवेंट भी आज हमें देखने को मिला है BGMI के अंदर। सबसे पहले देख सकते हो एक लॉगिन का इवेंट देखने को मिला है। बस आपको 60 मिनट तक गेम के अंदर लॉगिन रहना है तो आपको एक पॉपुलैरिटी मिल जाएगा, 30 मिनट तक लॉगिन रहते हो तो और एक मिल जाएगा एंड अगर आप टोटल 100 मिनट तक लॉगिन रहते हो तो आपको मिलने वाला है एक क्लासिक क्रेट कूपन। एंड बस गेम अगर आप ओपन करके भी छोड़ देते हो तब भी ये काउंट होने वाला है। एंड इसी के साथ साथ अनलॉक परमानेंट सूट करके एक इवेंट देखने को मिला है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्लासिक मोड के मैचेस खेलने हैं, 5 मैचेस अगर आप खेल लेते हो तो आपको 2 क्लासिक क्रेट कूपन मिलेगा। 10 गेम खेल लेते हो क्लासिक मोड के अंदर तो आपको मिलेगा एक टेम्पोररी आउटफिट। अगर आप 15 गेम खेल लेते हो तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बाइजन का स्किन एंड और एक आउटफिट मिलेगा टेम्पोररी टाइम के लिए। अगर आप 20 मैचेस खेल लेते हो क्लासिक मोड के अंदर एंड अगर आप 25 मैचेस खेल लेते हो तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है QBZ का एक टेम्पोररी स्किन। एंड अगर आप 30 मैचेस खेल लेते हो क्लासिक मोड के अंदर, जो कि हम लोग एज यूजल खेलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला ये वाला आउटफिट देख सकते हो, एक ठीक ठाक सा आउटफिट है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में परमानेंट मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल और कुछ इवेंट नहीं है, चलो फटाफट क्रेट के अंदर चलते हैं। पहले तो नॉर्मल अभी कैरेक्टर है मेरा, तो नॉर्मल कैरेक्टर से एक दो ओपन करके देखते हैं कि नॉर्मल कैरेक्टर से कुछ मिलता है या नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई क्लासिक ग्रेड के अंदर जो मिथिक आउटफिट है सबसे खतरनाक लग रहा है ये देखने में, पर बहुत ही कम चांस है मेरा कि ये मुझे मिलेगा। बाकी इसका हेडगियर देख सकते हो लेजेंडरी आइटम के अंदर है एंड बैकपैक का स्किन काफ़ी बढ़िया है देख सकते हो। एंड ये आउटफिट भाई नेक्स्ट लेवल लगता है मुझे, क्या ये आउटफिट मिलेगा? पूरा का पूरा सेट देख सकते हो काफ़ी खतरनाक लगता है। बाइक का भी एक स्किन आया है देख सकते हो। तो जो भी सारे रिवॉर्ड मैंने आपको दिखा था वो सब कुछ अभी देखने को मिल रहा है हमें। तो चलो सबसे पहला आज का क्रेट ओपन करते हैं एंड सिंगल क्रेट ओपन करेंगे सबसे पहला एंड पूरा एनिमेशन को होने देते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है। कंफर्म है कि कुछ टेम्पोररी रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो जूता या चप्पल मिलेगा। ओके टी शर्ट मिला है, जूता चप्पल नहीं मिला है पर टी शर्ट मिला है, चलो कोई ना और एक ओपन करते हैं। एंड इस बार भी पूरा एनिमेशन होने देते हैं, आने दो ड्रॉप को। ओके इस बार भी हमें और एक टी शर्ट मिल चुका है, तो BGMI वाले अभी टी शर्ट धरा रहे हैं हमें। तो चलो थोड़ा बहुत टैप टूप कर लेते हैं एंड इस बार ओपन करेंगे एंड तुरंत स्किप करेंगे, आने दो ड्रॉप को एंड स्किप। ओके एक पैरासूट मिला टेम्पोररी टाइम के लिए, चलो और एक बार आने देते हैं ड्रॉप को, स्किप करते हैं अभी। ओके घुमा है, ओ भाई साहब हेलमेट का स्किन निकल चुका है हमारा। तो सिंगल में ज़्यादा फायदा मुझे लगता है, और एक ओपन करते हैं। ओके इस बार भी घुमा है एंड ये टट्टी सा हेड गया टेम्पोररी टाइम के लिए दे रहे हैं एंड ये परमानेंट ना दे दे इसी का डर है मेरे को। चलो हेलमेट तो एटलीस्ट मिल चुका है हमें। ओके नेक्स्ट ओपन करते हैं, आने देते हैं ड्रॉप को एंड स्किप। घुमा है फिर से एक बार, ओके कुछ मिलेगा और आने देते हैं एंड स्किप। ओके घुमा है फिर से एक बार भाई, मगर क्यों नहीं चाहिए था मुझे ये, सबसे बकवास लगता है मुझे ये एंड यही मुझे मिल चुका है। ओके सेंड कर दिया हमने, तो 8 क्रेट हमने ओपन किया है, 2 लेजेंडरी सामान हमें मिल चुका है। क्या मिथिक मिलेगा आज? बहुत कम चांसेस है मिथिक का, मतलब मेरा 0.09% चांस है कि मुझे मिथिक मिलेगा। चलो आने देते हैं एंड इस बार स्किप करेंगे। ओके जूता मिल चुका है एंड अभी आखिरी क्रेट, इस बार गारंटीड कुछ ना कुछ मिलने वाला है। क्या एक लेजेंडरी आउटफिट मिलेगा? ये आउटफिट मिल जाएगा क्या लेजेंडरी हमें? थोड़ा बहुत टैप टूप कर लेते हैं, एक अच्छा सा सामान दे दे भाई, और कुछ नहीं चाहिए, आने देते हैं ड्रॉप को एंड 10 क्रेट हमने ऐसे ही ओपन कर दिया। घुमा है, ओ भाई साहब तो कल लीक्स दिखाते दिखाते मैंने आपको कहा था कि ये आउटफिट मुझे काफी सही लगता है, तो फाइनली चलो ये आउटफिट हमें मिल चुका है, अंडरवर्ल्ड सोवरिंग सेट एंड काफी खतरनाक लग रहा है आउटफिट देखने में, चलो बढ़िया है। एंड देते हैं ड्रॉप को, बस इस आउटफिट का जो हेडगियर है वो मिल जाता है तो काफी बढ़िया होने वाला है, पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ओके कैप मिल चुका है लेजेंडरी कैप, चलो बढ़िया है, इसको भी सेंड करते हैं। क्या ये आउटफिट मिलेगा? तो इसका भी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, देखते हैं, आने देते हैं ड्रॉप को
एंड स्किप करेंगे भाई, स्किप करने से कुछ ना कुछ मिल रहा है। ओके स्किप नहीं मिला इस बार। ओके रैंक अप हो चुका हमारा, क्लोज करते हैं। चलो भाई फटाफट टैप टूप कर लेते हैं। ओके आने देते हैं ड्रॉप को एंड अभी स्किप करेंगे। नहीं मिला, जूता मिल चुका है। चलो 17 क्रेट हमने ओपन कर लिया है, तो चलो अभी कैरेक्टर चेंज करते हैं थोड़ा, शायद इसका लक ख़त्म हो चुका है। तो अभी आ चुका है कार्लो चीचा हमारा, तो कार्लो चीचा से ओपन करेंगे। चलो हेडगियर हटा देते हैं कार्लो चीचा का एंड ओपन करते हैं। चलो चश्मा पहना के देखते हैं कार्लो चीचा क्या लक लेके आया है। अभी 3 क्रेट में कुछ ना कुछ गारंटेड मिलने वाला है। ये हेडगियर मिल जाए तो काफ़ी सही रहने वाला है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेट कम्प्लीट हो जाएगा मेरा। ओके देखते हैं क्या मिलता है, आने देते हैं ड्रॉप को। ओके गाइस स्किप, पैंट मिला है भाई। तो पहले 10 क्रेट में 3 लेजेंडरी सामान मिल चुका है। ओके एक शॉटगन का स्किन मिला है, चलो सही है, इसको भी सह लेंगे। ये बैरल का स्किन मिल जाता तो और भी बढ़िया रहता। तो अभी आखिरी क्रेट है मतलब 20th क्रेट एंड इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। पूरा एनिमेशन होने देते हैं इस बार, स्किप नहीं करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। एक अच्छा सा कुछ मिल जाए। ओके बैकपैक मिल चुका है। चलो हमारा जो ट्रेडिशन है क्रेट से बैकपैक मिलने का, वो अभी तक नहीं टूटा है एंड इस बार भी क्रेट से हमें बैकपैक मिल चुका है। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्रेट से मुझे हर बार बैकपैक मिलता है एंड इस बार भी बैकपैक मिल चुका है। चलो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी एक यूनिक बैकपैक है जो कि मेरे इन्वेंटरी के अंदर आ चुका है। चलो इसको भी सेंड कर दिया हमने भाई। अब मिथिक दे दो, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मिथिक, सीधा मिथिक के लिए ओपन करेंगे। आने देते हैं ड्रॉप को, आजा आजा एंड स्किप भाई। फिर से टेम्पोररी बैकपैक, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई मिथिक 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 मिथिक, क्या मिथिक मिलेगा? ओके हेडगियर मिल चुका है, पर मिथिक का हेडगियर मिला है। जो हेडगियर मुझे चाहिए था वो हेडगियर फिलहाल नहीं मिला है। चलो ये भी हेडगियर काफ़ी सही लग रहा है देखने में। अब बस इसका आउटफिट दे दे, बस मिथिक आउटफिट दे दे, पूरा का पूरा सेट कम्प्लीट हो जाएगा भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, एक सेट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो। एनिमेशन होने देते हैं स्किप। ओके घुमाए फिर से एक बार। अरे भाई बैकपैक टेम्पोररी मिल चुका है परमानेंट भाई, फिर से बैकपैक दे रहा है। आने देते ड्रॉप को फिर से, आजा 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 स्किप। घुमा है, ये क्या है? मिथिक तो कम चांस है, ये आउटफिट अगर मिल जाए सही रहेगा, नहीं तो भाई ये हेडगियर दे दे बस। मैं पहली बार मांग रहा हूँ कि भाई हेडगियर देने के लिए, क्योंकि काफ़ी खतरनाक हेडगियर आउटफिट के साथ जाने वाला है, मेरा एक पूरा का पूरा सेट कंप्लीट होने वाला है। तो 30 नंबर का क्रेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पूरा एनिमेशन मैंने होने दिया, घुमा है। ओके गाइस जो चाहिए था मिल चुका है, चलो कोई ना, हेडगियर चाहिए था मेरे को, पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया है। ओके करते हैं एंड सेंड कर दिया हमने। क्या 10 एट ए टाइम ओपन करें? चलो 10 एट ए टाइम ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है। आने देते हैं ड्रॉप को एंड स्किप करेंगे। ओके देखते 10 एट ए टाइम में कुछ लक है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देख सकते हो गाइज 10 एट ए टाइम में कुछ भी लक नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई सिंगल ओपन करो, सिंगल में आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, पर 10 एट ए टाइम में कुछ नहीं मिलता है। चलो आखिरी के पूरे क्रेट्स बर्बाद गए। मैं तो बोलूँगा कि भाई 30 क्रेट के अंदर ही जो मिल रहा होगा आपको मिल जाएगा, उसके बाद वाले सारे के क्रेट बर्बाद ही है मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद 30 क्रेट के बाद तो कुछ मिला ही नहीं। एक लेजेंडरी सामान तक नहीं मिला, एक लेजेंडरी हेडगियर तक नहीं मिला 30 क्रेट के बाद। तो जो भी हो सके 30 क्रेट तक ही ओपन करना, बाकी के क्रेट्स बर्बाद है। लास्ट क्रेट है मेरा, चलो इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको बचा के क्या करेंगे। ओके आने देते हैं लास्ट क्रेट में, क्या लेजेंडरी एक आउटफिट मिलेगा? बहुत ही कम चांस है। स्किप घुमा है। ओ भाई एक हेलमेट मिल चुका है हमें, चलो दो दो हेलमेट मिल चुका है हमें इस क्रेट से। आखिरी क्रेट में और एक हेलमेट मिला है, चलो काफ़ी बढ़िया है। तभी देखते हैं क्या क्या सामान हमें मिला है। काफ़ी सारे क्रेट ओपन किया, मतलब लगभग 59 क्रेट्स हमने ओपन किया एंड ये सारे सामान हमें मिल चुका है, देख सकते हो। सबसे पहले तो देख सकते हो ये वाला एक सेट मिल चुका है, मेरे पास नहीं था तो ये आ चुका है। ये सेट भी नहीं था, ये भी आ चुका है, एपिक आइटम के अंदर है, पर चलो कोई ना, अच्छा खासा सेट आ चुका है। उसके बाद जो सबसे खतरनाक सेट मुझे लगता है कहा गया, उसको पहन कर तो अभी मैं खेलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था। ये रहा फाइनली गाइस, आ चुका है इन्वेंटरी के अंदर एंड ये अगर थोड़ा मूवमेंट करता, इसका जो क्लोथ इफेक्ट है थोड़ा अगर होता तो और भी खतरनाक लगता, पर क्लोथ इफेक्ट नहीं है, चलो सह लेंगे। ये वाला सेट के साथ ये वाला हेडगियर भी मैचिंग जा रहा है, देख सकते हो जो मिथिक का हेडगियर है, बाकी इसका हेडगियर कुछ इस टाइप का है एंड ये सबसे टट्टी सा हेडगियर है, क्या है पता नहीं, पर ये देख सकते हो काफ़ी खतरनाक लग रहा है देखने में एंड हेलमेट काफ़ी सारे मिले हैं हमें। चलो
हेलमेट मिल चुका है। ये वाला एक हेलमेट मिला है, इसका लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 1 आप देख सकते हो। काफ़ी क्यूट सा है, मतलब एक फनी सा आप कह सकते हो हेलमेट का स्किन है, ऑक्टोपस टाइप। एंड और एक हेलमेट मिला है हमें, ये वाला, तो ये भी काफ़ी खतरनाक सा है भाई। तो दो ही का भी बढ़िया बढ़िया हेलमेट मिला है, नाराज़ नहीं हूँ मैं, चलो सही है। तो चलो अभी फिलहाल जो नया हेलमेट मिला है उसको यूज़ करते हैं। एंड भाई एज यूजुअल बैकपैक का स्किन हमें मिल चुका है। एंड भाई अभी हम लोग बैकपैक न्यू यूज़ करने वाले हैं, तो बैकपैक तो हमें मिल ही जाता है, लेगेसी हमारा बैकपैक मिलेगा। बाकी ये आउट पैंट मिला था, उसके बाद एक शॉटगन का स्किन भी मिला है। चलो देखते हैं नया शॉटगन का स्किन कैसा है। ओके देख सकते हो ये वाला शॉटगन का स्किन मिल चुका है, तीन तीन शॉटगन का स्किन मिला है। तो गाइस फाइनली हमें जो आउटफिट चाहिए था हमें मिल चुका है, मिथिक इस बार भी नहीं मिला, पर चलो ये आउटफिट हमें चाहिए था, मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। पर काफ़ी सही गया, ठीक ठाक सा कह सकते हो क्रेट ओपनिंग गया मेरा। आप बताना कमेंट के अंदर कि आपने कितने सारे क्लासिक क्रेट ओपन किए एंड आपको क्या कुछ आइटम मिला है। बाकी इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है rp_information। एंड जाते जाते भाई एपेक्स लेजेंड मोबाइल एक काफ़ी बढ़िया गेम है, इसके बारे में बेसिक ट्यूटोरियल एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है राइट साइड के अंदर वीडियो आ रहा होगा, टैप करके देखो जाके। एंड कमेंट पे बताना कैसा लगा आपको वीडियो।